आपको तो दादू दयाल जी राजस्थान का कबीर अहमदाबाद में जन्म हुआ, लोधीराम नाम के ब्राह्मण ने पालन पोषण किया, प्रधानंद जी ब्रह्मानंद जी अबुडन बाबा अमेरिका राजा भगवान दास के साथ फतेहपुर सीकरी में 1585 में अकबर से मुलाकात की, रुंडारी भाषा में निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, मरने के बाद ना जलाना चाहिए ना दफनाना चाहिए, खुद की लाश बहना की पाड़ी में रखी गई, दादू पाल का संग लगा उसको अलग दरी पाया चौगान, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला, नरेना जयपुर केंद्र इनका मुख्य केंद्र बन गया था, दादू द्वारा केंद्र वाणी की पूजा की जाती है, खालसा वीरत्व देखा की और नागा इनकी मुख्य ब्रांचेज हो गई, 52 शिष्य थे जिनको 52 पिलर कहते हैं, एक शिष्य रजब जी महाराज आज वंशादी नहीं की दुल्हे के वेश में रहे, रजब वाणी सरवंगी किताबें देखी, सुंदरदास जी महाराज बीकानेर के कल्याण मंदिर छोटे भाई यमराज थे और नागा शाखा की स्थापना की, हथियार रखते थे, छावनी करते रहने की जगह को और मराठों के खिलाफ प्रताप सिंह की सहायता की थी, सुंदरदास जी छोटे बंगाली ग्रंथ लिखे, ज्ञान समुद्र और एक पढ़ा था हमने सुंदर सागर और हमने पढ़ा था कि ये शंकराचार्य कहलाते हैं, दादू संप्रदाय के अपना बड़े इंटेलिजेंट बनते थे, कल हम पढ़े जामु जी महाराज पिंपासात नागोश लॉर्ड जी और हंसा भाई और पवार राजपूत थे, धनराज इनके बचपन का नाम था, 29 उपदेश दिए इसलिए विष्णु कहलाते हैं, विष्णु क्या अवतार माना जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है, सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर चारा भेज दिया था, जोधा और बीकानेर बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, हरे पेड़ पौधे मत काटो, जीव इंसान मत करो, नीले कपड़े मत पहनो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, जसनाथ जी महाराज और फाल्गुन अमावस्या को आश्विन अमावस्या को मिलने लगते हैं, मुकाम के अंदर इनका समाधि स्थल बना हुआ लालासर के अंदर इनका निधन हुआ था, संतरिया इनके जो उपदेश स्थल होते हैं संतरिया कहते हैं, समरथ नाम के मुख्य उपदेश दिए थे, जसनाथ जी महाराज कर में अमीर और अमीर जी और रूपा घर पर जाने जाट परिवार के अंदर पैदा हुए और गोरखमालिया नाम की जगह पर तपस्या क्या करते थे, 1500 ईस्वी में जंबू जी भी इनसे मिलने के लिए आए थे, बीकानेर के लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया, सिकंदर लोदी ने इनको जमीन दान के अंदर दी थी, जाल के पेड़ को पवित्र मानते हैं, मोर के पंख को पवित्र मानते हैं, गले में काली उनका धागा पहनते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, 36 नियम बताए थे इन्होंने, इनकी पत्नी कालल देवी भी इनके साथ पूजा की जाती है, चतुर शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको सॉरी आश्विन शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको इनका मेला लगता है कत्रियासर गांव में बहुत बड़ा, केवल कत्रियासर नहीं बल्कि बमलू कुंद्रासर मालासर लिखमादेसर पांचला सिद्धा केंद्र इनके मुख्य केंद्र है, पांचला सिद्धा मथुरा कहा जाता है, लालनाथ जी ने जीव समझोत्री और रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण नाम की पुस्तक लिखी, यशोनाथ पुराण तो इनकी बाइबिल मानी जाती है, जहां संत समाधि लेते हैं जो बाड़ी कहते थे, जसनाथ संप्रदाय में चौरासी बाड़ियां मानी जाती है, रुस्तम जी नाम के संत उनको औरंगजेब ने नगाड़ा निशान देकर सम्मानित किया था, रंगदास जी महाराज बेहरा में मुरलीधर और कुंजो भाई के घर के अंदर रंजीत नाम से पैदा हुए, सुखदेव जी इनके गुरु जी थे, दिल्ली में मुख्य केंद्र बनाया था, बसंत पंचमी को मेला लगता है, सवाई प्रताप सिंह को कोलीवाड़ा नाम का गांव दान के अंदर दिया था, मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे, बंगाली उपदेश दिए थे, भगवान कृष्ण को सखी मानकर पूजा करते थे, पीले रंग के कपड़े पहनते थे, नादिर शाह की भविष्य मानी करते थे, दया भाई की किताब दया बोध और विनय मल्लिका और सहज भाई की सहज प्रकाश, लालदास जी थे, लालदास जी के जन्म धोलीधूप में मृत्यु हुई थी, शेरपुर में समाधि शेरपुर के अंदर ली थी और मुख्य केंद्र नंगला जहाज है, बंदूली में खूब दिन तक रहे थे, बाद में जहां पर इनके बेटे कुतुब खान का मुख्य केंद्र रहा था, कदम चिश्ती गुरु जी थे, इनके पापा का नाम चांदवल मम्मी का नाम समदा था, आप आश्विन शुक्ल एकादशी मात पूर्णिमा को इनके मेले लगते हैं, मेवजाती लकड़ा रहे थे, मेवात में प्रभाव है, मेवाती में उपदेश दिए थे, हरिदास जी महाराज कापरोद नागौर के अंदर जन्म हुआ था, हरि सिंह चाकला नाम था, पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे और गाढ़ा डिडोना के अंदर इनकी समाधि है, वहां पर सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति की संदेश दी, हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश नाम की किताब लिखी थी, बालंदाचार्य लोहार झुंझुनू के एक मुख्य संत हुए, सेना रखते लश्कर संत कहते हैं, औरंगजेब के बावन मूर्तियां बचाई, राजसिंह और दुर्गादास राठौर की सहायता की, माऊ जी महाराज सावला डूंगरपुर के अंदर मुख्य केंद्र हुआ करता था, विनय राम की स्थापना वही करते हैं, बागली भाषा में अपने उपदेश देते हैं, भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते हैं, निष्कलंक की संप्रदाय चला, इनके अनुयायी कहते हैं भगवान विष्णु के कल के अवतार है, पांच चौपड़े लिखे थे जिनमें भविष्यवाणी है, वाद विवाद की शैली में दीपावली पर इनका वचन किया जाता है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था नवदास जी महाराज में जन्म हुआ, जोधपुर में केंद्र बनाया, नवल संप्रदाय चलाया, नवलेश्वर भवन बुक लिखी, लालगिरी जी महाराज सुखिया चूर में जन्म हुआ, बीकानेर के मुख्य केंद्र था, अलग के संप्रदाय चलाया और अलग स्तुति प्रकाश बुक लिखी, संतास जी महाराज लोड़ा गए थे, गुजरी उड़ी बैठे इसलिए गुजर संप्रदाय हो गया था, संतना जी महाराज धोनकला टोंक के जाट परिवार में जन्म हुआ था, रामानंद जी को गुरु बनाकर निर्गुण भक्ति का संदेश देने वाले राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं, पंजाब में ज्यादा लोकप्रिय बरनाड़ा जोधपुर का मंदिर, संत पिंपा जी महाराज गागरों के क्षत्रिय राजा खिंची राजपूत प्रताप सिंह थे और बाद में चंद्रदास खिंची को राजपाट छोड़कर खुद रामानंद जी से बन गए थे, रामानंद जी जब गुजरात जाते हुए वापस यहां गागरों ठहरे थे तो अपनी पत्नी सीता के साथ उनके साथ ही चले गए थे, चंद्रीबाड़ में मंदिर है जहां चतुर पूर्णिमा को मेला लगता है, थोड़ा टोंक में गुफा बनी हुई है, थोड़ा सूर्य ने उनके कहने पर सब कुछ आपके संतों में बांट दिया था, गागरों में क्षत्रिय पिंपा जी की पत्नी पिंपा जी कथा चेतावनी नाम के ग्रंथ है, लालदास जी के ग्रंथ का नाम चेतावनी है, और हम पढ़ रहे थे नरहर नरहर के अंदर इनका बना हुआ समाधि स्थल है इनका और हजरत चक्र बाबा भी कहते हैं कसंदर मास में उस लगता है संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, बागड़ा धनी कहते हैं, सलीम चिश्ती इनके से सेवा करते थे, राजाराम जी महाराज और शिकारपुरा जोधपुर के अंदर पटेल समाज मुख्य मानता है इनको पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था, ये पढ़े थे मुझे जानते क्या था ना कोई कहता रह गया तो पहले अब अपने आगे इनके बाद में